सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। रणजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनारिया जेल में बंद राम रहीम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट 12 अक्टूबर को सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। जानकारी के मुताबिक मामले में राम रहीम, कृष्णलाल, सबदिल, अवतार और जसबीर को दोषी करार दिया गया है, जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी इंदर सेन की मौत हो चुकी है। काबिले जिक्र है कि रणजीत सिंह की 2002 में हत्या हुई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। इस मामले में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को आरोपी बनाया गया। कोर्ट में लगातार कई बार सुनवाई टली, जबकि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 2003 में केस दर्ज किया था और 2007 में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए थे। रणजीत सिंह डेरे में मैनेजर का काम करता था। बता दें कि गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो वहीं अब 12 अक्टूबर को रणजीत पत्रकार हत्या मामले में आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।